किसान संगठनों का आज दिल्ली कूच का ऐलान देखने को मिला है। आज दिल्ली कूच कर सकते हैं पंजाब के किसान। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने की तैयारी में किसान है। किसानों का जत्था हो सकता है कि आज दिल्ली कूच करें। दोपहर 1 बजे शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ किसान बढ़ना शुरू करेंगे। तैयारी इसी चीज की है। किसानों को शंभू बॉर्डर से आगे जाने की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी। प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। अब ऐसे में ये देखने की बात है क्या किसान इस बैरिकेडिंग को फांद कर आगे बढ़ जाएंगे, जो कि पिछली बार कई बार देखने को मिला है। और ये बात की देखने को मिली जब प्रशासन और किसानों के बीच में एक गतिरोध की स्थिति भी देखने को मिली थी। अंबाला के शंभू बॉर्डर की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है शंभू बॉर्डर की हो रही है। शंभू बॉर्डर पर किसानों का जो एक जत्था काफी दिनों से जस का तस बना हुआ है अपनी मांगों को लेकर, अभी तक वहां पर एक बैरिकेडिंग जो है वो देखने को हालांकि मिल रही है। लेकिन अभी फिलहाल किसानों की तरफ से बात कही गई है कि अब हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि दिल्ली कूच की तैयारी में किसान नजर आ रहे हैं। दिल्ली कूच की बात यहाँ पर किसानों की तरफ से कही जा रही है। प्रशासन भी सतर्क है। प्रशासन की तरफ से किसानों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन अब देखने की बात यह है कि किसानों ने ऐलान तो कर दिया है कि दिल्ली कूच करेंगे, हालांकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। तो क्या प्रशासन और किसानों के बीच में टकराव जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, इस बात पर भी नजर है। और प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर कदम क्या उठाए जाएंगे, ये भी देखने की बात होगी। हालांकि किसानों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। अब देखने की बात है, हालांकि किसान जो हैं, किसान भी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। अब ऐसे में प्रशासन को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि फिलहाल किसानों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। किसान संगठनों का दिल्ली कूच का ऐलान देखने को मिल रहा है। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच किसान करेंगे। और साथ ही किसानों का जत्था हालांकि अभी ये कह चुका है कि दिल्ली कूच हमारी तरफ से किया जाएगा, प्रशासन की तरफ से फिलहाल अनुमति नहीं है। दोपहर 1 बजे का समय आज किसानों की तरफ से रखा गया है जब दिल्ली की तरफ बढ़ना किसान शुरू करेंगे। अब ऐसे में एक बार फिर से हो सकता है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े, हो सकता है कि लोगों को जाम की स्थिति से होकर गुजरना पड़े। तो इसलिए अगर आपका अंबाला से लेकर दिल्ली या फिर चंडीगढ़ से दिल्ली का अगर रूट है, तो आप सबसे पहले अब ट्रैफिक प्लान्स, ट्रैफिक रूट को एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि अब ऐसे में किसानों की तरफ से अगर दिल्ली कूच की बात कही गई है, प्रशासन की तरफ से अगर अनुमति नहीं दी गई है, तो इसके शत प्रतिशत संभावना है, शत प्रतिशत इसके प्रबल चांस भी हैं कि हो सकता है कि जाम जैसी स्थिति देखने को मिले, बैरिकेडिंग देखने को मिले। हो सकता है कि जो आपका रास्ता है वो कई किलोमीटर एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि ऐसे में ट्रैफिक जो रूट है, रूट डाइवर्जन प्लान जो है वो लागू किए जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपने घरों से दिल्ली की तरफ चंडीगढ़ से निकलते हैं या फिर दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ अगर आप निकलते हैं, तो आप एक बार जो रूट डाइवर्जन है उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। देखिए, लगभग मोर्चे को चलते हुए 257 दिन हो गए और 97, और जो अमर अनशन है खनौरी बॉर्डर पर वो लगभग 11वें दिन में दाखिल हो गया है। जो दोनों फोर्मों ने निर्णय लिया था कि लगभग 1 बजे हम लोग यहाँ से 101 किसान मजदूर का जत्था दिल्ली की ओर कूच करवाएंगे। जैसा आप जानते हैं, आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पूर्व है। दुनिया की मानवता के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया था, तो इसी दिन देश के किसान मजदूर के हित के लिए जो मरजीवड़ों का जत्था है वो अपना बलिदान देने के लिए दिल्ली की ओर कूच करेगा।